कि लिटिल मिलेट्स क्या होते हैं, उसे कैसे पकाना चाहिए और उसके क्या फायदे हैं। लिटिल मिलेट्स को हिंदी में फुटकी या सामा कहते हैं और ये ऑफ वाइट क्रीमिश कलर के होते हैं। नॉर्थ इंडिया में लोग इसे यूजुअली फास्टिंग के टाइम खाते हैं। इनके अंदर फाइबर कंटेंट 9.8% होता है, इसलिए हमारे मिलेट मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर खादर, जो पद्मश्री से सम्मानित है, वो इसे पॉजिटिव ग्रेन कहते हैं। डॉक्टर खादर कहते हैं लिटिल मिलेट्स खाने से हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स जो हैं वो स्वस्थ रहते हैं। लिटिल मिलेट्स को पचाना बहुत आसान होता है। लिटिल मिलेट घाव को भरने के लिए बहुत ही कारगर है। ये डायबिटिक गैंग्रीन जैसे घाव को भी भर देता है। ये सडन शुगर स्पाइक नहीं करता, धीरे धीरे शुगर को रिलीज करता है ब्लड में, जिससे कि आपको लंबे समय तक फीलिंग एनर्जेटिक और एक्टिव लगता है। लिटिल मिलेट्स एक बैलेंस्ड ग्रेन है, इसमें सही मात्रा में प्रोटीन्स और विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं। डॉक्टर खादर कहते हैं लिटिल मिलेट्स हार्मोनल इंबैलेंस को ठीक करने में हेल्प करते हैं। पीसीओडी, पीसीओएस या कोई यूटेरस की प्रॉब्लम्स, इररेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की सारी बीमारियों को ठीक करने में कारगर है। डॉक्टर खादर कहते हैं कि हफ्ते में 3 दिन लिटिल मिलेट्स खाना चाहिए जिनको सारी बीमारियां हैं, या वो पेरेंट्स जो बेबी प्लान कर रहे हैं ताकि उनका बच्चा हेल्दी हो, और हफ्ते के बाकी दिन आप बाकी पॉजिटिव मिलेट्स खा सकते हैं। डॉक्टर खादर की रिसर्च के हिसाब से लिटिल मिलेट्स थायराइड को भी ठीक कर सकते हैं। लिटिल मिलेट्स छोटे बच्चों की सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं। देखते हैं कि लिटिल मिलेट्स को कैसे पकाएं। इसे पकाने के पहले हमें इसे 6 से 8 घंटे पानी में भिगा के रखना है, क्योंकि इसमें बहुत सारा फाइबर होता है, इसलिए पानी में भिगाना बहुत जरूरी है। हम जैसे चावल को बनाते हैं वैसे ही हम लिटिल मिलेट्स को बना सकते हैं। सबसे आसान है इसका उपमा बनाना, या इसकी खिचड़ी या इसका पुलाव बनाना। आप इसकी इडली या इसका डोसा भी बना सकते हैं, बस चावल की जगह लिटिल मिलेट्स डाल दें। डॉक्टर खादर कहते हैं कि ये 5 पॉजिटिव मिलेट्स आप अपने डाइट में रखेंगे तो आप बीमारियों से दूर रहेंगे। क्या आपको पता है कि इन्हें उगाने के लिए पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं करना पड़ता? तो इस तरह से ये हमारे बॉडी के लिए बहुत सेफ है, और गेहूँ चावल की अपेक्षा ये 70% कम पानी लेते हैं, तो इस तरह से ये हमारे पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छे हैं। तो क्या आपने मिलेट्स खाना शुरू किया? 2023 इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर है, तो आप मिलेट्स को ज़रूर इंक्लूड कीजिए अपनी डाइट में। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।